ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पे मैं बात करता हूं. इट इज अप्लाइज इन अकीदा, इन फिक, इवन इन शादी. एक है क्या, तस्फिया, और एक है तहलिया. अब मैं बोल रहा हूं ना, साइकोलॉजिकली मेंटली प्रिपरेशन की बात चल रही है. अब मेरे माइंड में और मेरे साइकोलॉजी में गलत बातें हैं भरी हुई पहले से. गलत माइंडसेट है मेरा, गलत इमोशन मैंने सीखा हो, सुना हो. मैंने सेक्सी एजुकेशन लिया है. सेक्स एजुकेशन नहीं दिया गया मुझे, सेक्सी एजुकेशन दिया गया है. सेक्स एजुकेशन किसी ने बताया, कोई हमारा सिलेबस नहीं इसके लिए. इवन हमारी जमातों में भी ऐसी कोई सिलेबस नहीं है. इस पे बात नहीं करता हो, क्या ऐसा बात कर रहे हैं. ऐसे सब बात करने वाले वो लोग हैं, फतवा दे देते यार. बात करो, हर एक की जरूरत है. सेक्स कैसे लाइफ के अंदर इंटीमेसी आना है, बीवी के साथ कैसे रहना है, क्या गूगल से लेगी इंफॉर्मेशन, गूगल से सीखेगी. You should open up on this topic. In the boundary of Sharia, you should talk. तो गलत जो दिमाग में बैठा हुआ जो टॉक्सिक है उसको बोलते हैं, इसको कहते हैं तहलिया, तस्फिया. आप इधर से आओ, तस्फिया. ओके, तस्फिया पहले मतलब अपने माइंड को, अपने साइकोलॉजी को, अपने दिमाग को साफ करना. साफ, तस्फिया का रूट वर्ड साफ, साफ सफाई बोलते हैं ऐसा है. उसको साफ करना किससे, पहले गुस्सा होते थे, अभी गुस्सा नहीं हो सकता. आपको गुस्सा कंट्रोल करना पड़ेगा. पहले है मुझे गुस्सा आता क्या, ये एक अपनी ताकत के लिए यूज करते थे पहले. अभी गुस्सा बोले तो खलास आग लग जाता. शादी के बाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा शादी के बाद ये एटीट्यूड नहीं चलेगा. ओके, दूसरा डाउट करना. इट इज द मेन लीडिंग रीजन फॉर मेकिंग द रिलेशनशिप वीकन. शक करना, छोटी छोटी बातों पे शक करना, बीवी पर या शौहर पर, सेम वाइस वर्सा. उधर देखी काय को देखी, अच्छा कपड़ा पहने काय को पहने, खिड़की के पास ठहरी क्यों ठहरी, कोई फोटो आ गया ये क्यों निकाली फोटो. सुभान अल्लाह, आप नसीहत करो, पूछो, लेकिन शक करना, शुभा करना, ये बहुत बड़ा बीमारी है. शादी से पहले अगर किसी में अगर ये है, किसी का एटीट्यूड अगर शक करने का है, डाउट करने का है, उसको जो है ना ट्रस्ट करना सीखना है, ट्रस्ट करना सीखना है. और उसके बाद क्या है सर, ये जो है मैंने तैयार किया है, इसमें बड़ा टाइम गया है, इसमें स्टडी मटेरियल आपको बुक दिया गया है, लिखने का आदत डालो, तमिल में इंग्लिश में लिखने का आदत डालो. मैं पर्पजली नहीं दिया स्टडी मटेरियल, लेके ऐसे हिला लेके जाते, कार में रहता, बेडरूम में रहता, यहां पढ़ के रहता. लिखो तो वैल्यू रहता. चाचा माफ करना, तुम मेरे दोस्त हो, मैं फ्रेंड ऐसे बात कर रहा हूं. ओके, हम भी ऐसे करके आए. ओके, सो लिखे तो उसकी वैल्यू रहती. मैं लिखा से बोल के जाके जोरों को बताओ, मैं लिखा बोल के खुश होती. देखो तुम्हारी जोरू लिखे क्या तुम्हें, चलो अभी तभी अमल करो साहब बोल के. ओके ब्रदर, ट्राई टू राइट. ओके, कंटेंट करना. शादी से पहले मजाक उड़ाने की आदत रहती, किटिंगलिंग करना, मजाक करना, मिमिक्री करना, दोस्तों में चल जाता है शायद, दोस्तों लोग बर्दाश्त कर लेते हैं एक हद तक. लेकिन शादी के बाद तुम, बीवी तुम्हारे से टिंगलिंग नहीं पसंद करती, उनके सास और ससुर का टिंगलिंग नहीं करना तुम, किसी का मजाक नहीं उड़ाना. तुम्हारे लिए जरूरी है कि रेस्पेक्ट, 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 इज्जत करो, उनकी इज्जत करो तो तुम्हारी इज्जत करेगी. उसकी मां की इज्जत करो, किसकी मां की, तुम्हारी बीवी के मां की इज्जत करो, वो तुम्हारे मां की इज्जत करेगी. उनके अब्बा की इज्जत करो, वो तुम्हारे अब्बा की इज्जत करेगी. तुम्हारी बीवी को अगर जेब में रखना है ना, उसकी मां की इज्जत करो. वल्लाह कोई बीवी तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगी, और मेरी मां से कितना अच्छा बात करता है, और मां भी बोलेगी कितना अच्छा तेरा मेरा क्या बोलते हैं जमा है, कितना अच्छा तेरा शौहर है बेटा. सी क्या, कितने ऐसे शादीशुदा जवान लड़के हैं यार, सास से बात करना बोले तो होता रहे उनको, क्या दुश्मनी है क्या.
हाँ उसकी बेटी को लेके आ रहा है, लेकिन सास से वो रैपो मेंटेन नहीं करते। मैं बोल रहा हूं वही रेस्पेक्ट जो है ना बहुत जरूरी है, लेजीनेस छोड़ना पड़ेगा, हार्ड वर्क पाना पड़ेगा। शादी से पहले तुम्हारा जो माइंड है ना, माइंड माइंड वो प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं ना इंग्लिश के अंदर, प्रोक्रास्टिनेशन, किसी चीज को लेजी करके पुश करना, पुश करना, डिले करना, डिले करना, अल्टीमेट रिजल्ट नहीं मिलता है, पोस्टपोन करना, प्रोक्रास्टिनेशन, ये सबसे बड़ी बीमारी है आजकल के जमाने की। एग्जाम आया एक महीना है ना, एक महीना से 25 दिन, 25 दिन से 20 दिन, 15 दिन, 4 दिन बाकी, 4 दिन में लास्ट 4 घंटे बाकी, तब तक तैयारी नहीं। एग्जाम है तो रात में ऐसे किताब देखो पढ़ते, नंबर 30 नंबर 40 नंबर पास हो जाते, इंजीनियर बन जाते, और मालूम पड़ता मैदान मारने के बाद किस टाइप का इंजीनियर है। हर चीज के अंदर प्रोक्रास्टिनेशन और डिलेइंग, ये सबसे बड़ी लीडिंग लेजी ए सिम्टम्स है जो आजकल के नौजवानों में नहीं बल्कि बूढ़ों में भी, स्पेशली औरतों के अंदर पाया जाता है। अरबी के अंदर प्रोक्रास्टिनेशन को बोलते हैं तस्वीफ, तस्वीफ, सौफा आता है ना, सौफा, सौफा अकूम, सौफा अफअलु, सअफअलु, स शॉर्टन के लिए दूर से करना, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, स अफअलु, सौफा अफअलु, बहुत टाइम के बाद करूंगा लेकिन करूंगा, सौफा, उसको बोलते हैं तस्वीफ। अब ये जो बीमारी ऐसे तुम जोड़ते जा रहे हो इधर, ओके, मैंने खाली खाली चंद मिसालें लाया है साइकोलॉजिकली हमको क्या चीजें रिमूव करना है, डिटॉक्सिफिकेशन करना है, हमारे दिमाग में जो भरी हुई जो बातें हैं, गलत बातें, गलत जो लाइफस्टाइल, उसको निकाल के अब आपको तहलिया करना है, उसको सजाना है, उसको सजाना है, किससे, किससे, सेपरेशन से इंटरेक्शन की तरफ। शादी से पहले तुम अकेले थे, मोबाइल में ऐसे पड़े रहते थे, अब शादी के बाद आपको इंटरेक्ट करना सीखना पड़ेगा, बीवी के साथ बात करने सीखना पड़ेगा, मुंह खोल के आंख से आंख मिला के बात करो, मोबाइल बंद करो, मोबाइल के छोटे स्क्रीन से 4x4 के स्क्रीन से बाहर आ जाओ बेटा, हम ये बोलते हैं। अब इंटरेक्शन करना सीखो तब आपकी जिंदगी में आएगा, पेशेंस आना पड़ेगा आपको, जो है ना पावर ऑफ थॉट, किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी हर्डल में डिसीशन मेकिंग पावर तुम्हें आना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि थोड़ा प्रॉब्लम होता है माँ को फोन करे, अम्मी ऐसा हुआ, अम्मी क्या करने का, इन्हें ऐसा बोलने को है, इन्हें क्या करने का, माँ माँ माच कितना बोल दो बेटे का फेवर और जोरों को गुस्सा, मैं तुम्हारे घर में बात करी सो माँ को कहीं को कॉल कर, तुमने छोटी बात, अरे तुम सिर्फ तुम इतने बड़े हो, 25 साल हुए हो, किसके लिए 30 साल हो गई है, बीवी के इमोशन को समझ करके सेटलमेंट करने नहीं आता, ये तुमको सीखना है, ये तहलिया, अच्छी आदतों से अपने आप को संवारना, पहले निकालना बुरी आदतें और अच्छी आदतें लेके आना, बैड लैंग्वेज, पहले बैड लैंग्वेज था, अब क्या कर दिया आपने, प्यारी लैंग्वेज, प्लेजेंट लैंग्वेज, प्लेजेंट स्पीच, अच्छी बात करो, माशाल्लाह, बारकल्लाह, सुभानअल्लाह, अच्छे नरम बात, किसी के इमोशंस को ब्रेक करने वाली बातें मत करो, रफ लैंग्वेज मत करो, रफ लैंग्वेज। तो मैं क्या कह रहा हूं, इसको मैं हमेशा मिसाल देता हूं, ला इलाहा, ला इलाहा ये क्या है, देर इज ए नो गॉड, ये क्या है, तस्फिया है, देर इज ए नो गॉड बोल के क्या कर रहे हैं आप, शिर्क को और कुफ्र को निकाल रहे हैं, ओके, इल्ला अल्लाह के जरिए से क्या कर रहे हैं, तहलिया ले रहे, तहलिया यानी सवार रहे, अपने खाली दिमाग को निकाल करके ब्यूटिफाई कर रहे हैं, उसके अंदर फिल कर रहे हैं राइट कंटेंट डाल के, तस्फिया, तहलिया, ये कॉन्सेप्ट ला इलाहा इल्लल्लाह का है।